नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किस देश ने हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियंस 2023 जीता है? भारत, कोरिया, जापान या चीन? तो पहले का विकल्प ए सही है, भारत। अगला प्रश्न, इस वर्ष के विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बाइसिकलिंग इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रीडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यूनिक्स वर्सटैलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। दूसरे का विकल्प बी सही है, रीडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला प्रश्न, पर्वतारोहण का पूरा कोर्स करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट का नाम क्या है? संतोष यादव, अर्चना सरदाना, शालिनी सिंह, ममता सोढ़ा। तीसरे का विकल्प सी सही है, शालिनी सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिन भुगतान क्यों शुरू किया है? निष्क्रिय खातों के लिए, आवर्ती जमा के लिए, शिकायत निवारण के लिए, सावधि जमा के लिए? चौथे का विकल्प ए सही है, निष्क्रिय खातों के लिए। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गोवर्धन योजना किस क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एक भंडार है? बायोडीजल, तरल पेट्रोलियम गैस, विमानन गैसोलीन, बायोगैस और सीबीजी। पांचवें का विकल्प डी सही है, बायोगैस और सीबीजी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बेलेन स्केलेला, मारिया मार्था, स्लिस्टे साउलो या पेट्रिसिया सोसा। तो छठे का विकल्प सी सही है, स्लिस्टे साउलो। अगला प्रश्न, मनसुख मंडाविया ने किस शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नोएडा, गाजियाबाद, नई दिल्ली या गुरुग्राम। तो सातवें का विकल्प बी सही है, गाजियाबाद। आठवां, जून 2023 में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? शारदानंद सिंह, पी उपाध्याय, घनश्याम सिंह, मोती सागर। आठवें का विकल्प बी सही है, पी उपाध्याय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष एजेंसी के नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय को मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, खाद्य और कृषि संगठन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। तो नौवें का विकल्प सी सही है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। दसवां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला सभी एम्स में पहला बन गया है? एम्स लखनऊ, एम्स चेन्नई, एम्स पुणे या एम्स नागपुर। तो दसवें का विकल्प डी सही है, एम्स नागपुर। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।